वीरभद्र वसई विरार पुलिस से जुड़ी अपराध शाखा इकाई की हिरासत में यौन उत्पीड़न पीछा करने और स्पष्ट यौन उत्पीड़न के लगभग 2 दर्जन मामलों में शामिल एक सीरियल सेक्स वाले व्यक्ति का पता चला है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक 9 साल की बच्ची के माता पिता द्वारा नया नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले में पूछताछ शुरू की गई, जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी का एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। IPS की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के कड़े संरक्षण अधिनियम पोस्को के तहत मामला दर्ज किया गया था और मामला समानांतर जांच के लिए अपराध शाखा को सौंप दिया गया था। पुलिस इंस्पेक्टर अविराज कुरहाड़े के नेतृत्व में एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और संभवित CCTV लगे वाले रास्तों पर कैमरों में कैद की गई तस्वीरों का स्कैन किया गया। यह पता चला कि संदिग्ध नाला सोपारा से मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर आया था और जघन्य अपराध करने के बाद मुंबई जाने वाली एक लोकल में सवार हुआ था। एक मजबूत भावना के साथ कि संदिग्ध नाला सोपारा में रह सकता है और मुंबई में काम कर रहा है, टीम ने दोनों क्षेत्रों में अपने मुखबिर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र को सक्रिय कर दिया था। एक गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने कल्पेश गोपीनाथ देवधारे, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, को नाला सोपारा से गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर के रूप में काम करने वाले देवधारे ने कांदीवाली, ढिंडोसी, पवई, गोवंडी और मुंबई पालघर जिले के अन्य हिस्सों में भी अपने द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के लगभग 2 दर्जन मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पूछताछ के दौरान आरोपी विकृत ने खुलासा किया कि 17 साल की उम्र में अश्लील फिल्में देखने की लत लगने के बाद वह आतन यौन अपराधी बन गया था। इस मामले में आगे की जाँच चल रही है। साइबर पुलिस ने राजस्थानी गायक की तस्वीर से छेड़छाड़ कर ब्लैकमेल करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह मामला तब सामने आया जब गायिका ने भयंदर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एक अज्ञात व्यक्ति अश्लील संदेश भेजकर उसे गाली दे रहा है और उसकी अश्लील तस्वीरों के आधार पर पैसे मांगकर उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, जिसे उसने सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी है। मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस ने जुड़ी साइबर सेल इकाई ने एक प्रसिद्ध राजस्थानी गायिका की अश्लील तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की धमकी देकर उसे कथित तौर पर ब्लैकमेल करके पैसा मांगने के आरोप में एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है। लोकप्रिय तस्वीर और वीडियो साझाकरण सामाजिक नेटवर्किंग सेवा से सब पता चला है। यह मामला तब सामने आया जब गायिका ने भयंदर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एक अज्ञात व्यक्ति अश्लील संदेश भेजकर उसे गाली दे रहा है और उसकी अश्लील तस्वीरों के आधार पर उसे पैसे की मांग करके ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, जिसे उसने सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी है। मामला 29 मार्च को साइबर सेल इकाई को सौंपा गया था, जिसके बाद अपराध शाखा प्रमुख महेश पाटिल ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। जांच का अंत तब हुआ जब नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से प्राप्त तकनीकी विवरण के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपी ने एक फर्जी खाता बनाया था, जिसका न तो एक भी अनुयायी था और न ही नाम, पता या ईमेल जैसी अनिवार्य व्यक्तिगत जानकारी के साथ खाता समर्पित था। इसके अलावा फोन का उपयोग कोई कॉल करने या प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया था। टीम ने जब सिम कार्ड की खरीद के लिए इस्तेमाल किए गए आवेदन फॉर्म को ट्रैक करने में कामयाबी हासिल की और एक वैकल्पिक नंबर मिला, जिसका इस्तेमाल विले पार्ले में रहने वाली एक महिला द्वारा किया जा रहा था। महिला द्वारा उपलब्ध कराए गए सुराग के आधार पर टीम ने आरोपी की पहचान चैनाराम दुर्गाराम उर्फ राहुल ओसवाल उर्फ राहुल कुमावत उम्र 22 वर्ष के रूप में की है। क्रूज के एक मेडिकल स्टोर में सेल्समैन का काम करने वाले आरोपी ने अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है। इसी तरह के अपराधों में उसकी संलिप्तता से इनकार नहीं करते हुए पुलिस ने आरोपी पर IPS और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। भयंदर पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस ने नागरिकों से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में 1930 पर साइबर अपराध प्रकोष्ठ में कॉल करने की अपील की है। मीरा भयंदर में एक ये भी तस्वीर सामने आ रही है कि मीरा भयंदर नगर पालिका और मीरा भयंदर पुलिस अब एक साथ कुछ मुद्दों पर काम कर रही है, क्योंकि नगर पालिका मैदान में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति देने के बाद अचानक अनुमति रद्द करनी पड़ी, इसलिए नगर आयुक्त दिलीप ढोले ने सार्वजनिक स्थानों और नगर पालिका की संपत्ति में होने वाले कार्यक्रम के लिए पहले पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। नगर पालिका अपने मैदानों, पार्कों, खुले स्थानों, इमारतों और सड़कों पर विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन करती है और ये सब कभी कभी विवादित भी हो जाता है। हाल ही में नगर पालिका ने भयंदर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान में ईद की नमाज की अनुमति दी थी। पुलिस नगर पालिका और संबंधितों की बैठक के बाद कानून व्यवस्था का मुद्दा उठ
सकता है। इस तरह से कमिश्नर ने अनुमति निरस्त करते हुए पुलिस की आपत्ति का जिक्र किया था। आयुक्त ने राजस्व विभाग और वार्ड समिति के अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि पुलिस के पास सार्वजनिक स्थानों और नगरपालिका की संपत्ति पर किसी भी आयोजन के अब अनुमति जरूरी हो गई है, इसलिए कोई भी कार्यक्रम करने से पहले पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य है।